तो मैं निकल रही हूँ जिम के लिए, और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, पसीना देखो कैसे आ रहा है, बहुत गर्मी है। और बहुत दिन बाद जिम जा रही हूँ, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 10 डेज हो गए हैं मुझे जिम जाके। पहले गेस्ट आए हुए थे उस चक्कर में छुट्टियाँ, फिर पीरियड्स के चक्कर में छुट्टियाँ, और वीकेंड आ गया, तो वीकेंड पे अब क्या ही जाऊँगी सोच के, तब छुट्टी हो गई। एक दिन के लिए जिम जाऊंगी, फिर संडे छुट्टी है। पहले तो ये सोचा था कि एक दिन चले जाती हूँ, थोड़ा बॉडी खुल जाएगी, फिर एक ब्रेक मिल जाएगी, पर फिर मन नहीं हुआ तो नहीं गई। आज है मंडे और आज से शुरू हो रहा है वापस 10 दिन बाद। 10 दिन फुल ब्रेक हुई है मेरी, बहुत गंदी वाली। एनीवेज वो तो हम कवर कर लेंगे अपना। तो चलिए जिम पहुँच के वर्कआउट करते हैं, और फिर आपसे बात करते हैं घर आके। तो मैं आ गई हूँ घर जिम से, और बहुत बढ़िया वर्कआउट हो गया आज तो। बहुत दिन बाद किया, बट मुझे लगा था मेरे से होगा नहीं। तो होता है ना, इतनी लंबी ब्रेक हो जाए तो आप थोड़ा फील करते हो बहुत दिन बाद, बट बॉडी बिल्कुल सही थी, रिलैक्स फील हो रहा था कि आ गई भी, आ गई मैं, आ गई आ गई। अभी मुझे बनाना है खाना, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पीते हैं, प्रोटीन पीते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे अपना डिनर। हो गया टाइम 7:30, तो बस खाना बनाना है मुझे, और मस्त मज़ा आ गया आज तो वर्कआउट का। एंड सबसे पहले तो थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, प्रोटीन लेके ही बैठूँगी, एंड फिर आपसे बात करती हूँ मैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने लगी हूँ डिनर, और आज मैं डिनर में बना रही हूँ घी की सब्जी। बच्चों को तो पसंद नहीं है, बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग उत्तपम खाएंगे, तो कल इडली बनी थी तो इडली का मिक्स पड़ा है, तो बच्चे उत्तपम खा लेंगे। और मैंने ना यहाँ पे वेजिटेबल्स आई थी, अदरक पूरी वॉश करके रखी थी, तो अभी ये ड्राई होगी, इसको भी रख दूंगी फ्रिज में। A playful pattern of furs and beaks. Placed at pleasurable distances from one another, I'd like to place myself closer to you. Your living room is a showcase of grand millennial design. I could move in with you. Is it too soon to let you know how I feel when I'm drunk on your record collection? I better take myself home. I better take myself home. I better take myself home.
मैं जाऊंगी नहाने, अब खाना वाना बना लिया, अब जो पसीना निकलना था निकल गया, अब फ्रेश हो जाऊंगी। तो आज का दिन तो हो गया समाप्त यहीं पे, क्योंकि अब हो गई है, मैं गई हूँ थक, अब बस मैं नहाऊंगी और सोऊंगी, डिनर मैंने करना नहीं है। और हाँ, मुझे ना कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, सबके बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं और प्यारे कमेंट्स भेजते हो, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सबने मतलब मेरे वेट लॉस पे बहुत अच्छे कमेंट्स किए, फिर भी कई लोग पूछते हैं कितना घटा है यार, वीडियो देख लो, वीडियो बिना देखे ही वेट, मैं हालांकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही अपना वेट चेक कर लिया था, फिर भी मतलब इतने पेशेंस नहीं है आप, पहले देख तो लो यार कितना था पहले, कितना घटा है, आपको सब पता लग जाएगा। तो एक रिव्यू ला गई है, घिया बहुत सॉफ्ट थी, उसमें सीड्स बहुत सॉफ्ट थे, मैंने पूरा ही बना दिया है। हाँ, तो वेट कितना घटा है वो आपको उसमें ही पता लग जाता है। दूसरी बात ये है, खाना पीना जो है, देखो मैं मेरे हिसाब से बहुत परहेज कर रही हूँ, और मैंने जो आइसक्रीम के ऊपर मुझे कमेंट आए थे दो, हालांकि मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं, इसको भी हम नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है, वो मेरे फ़ायदे के लिए ही बोला गया था कि भाई आइसक्रीम मत खाओ, शुगर होती है। एक कमेंट तो बहुत मतलब एक होता ना बोलने का तरीका सही था, एक कमेंट का जो तरीका था ना बहुत रूड टाइप का मुझे लगा, मतलब कोई किसी को ऐसे कैसे बात करता है कि तुम तो आइसक्रीम खा रही हो, तुम्हें तो टच भी नहीं करनी चाहिए, हो गया ऐसे तो तुम्हारा वेट लॉस। देखो आई डोंट नो कि आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे जानते हैं वीडियो के थ्रू, बट एक बाउंड्री होती है ना हर चीज़ की, बोलने की तरीका होता है, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, सिंपल फंडा फॉर्मूला होता है। तो बस वही है, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि आजकल मैंने नेगेटिव कमेंट्स को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है, वैसे तो मैं बहुत टाइम से ही करती हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती, बट मुझे ये मैं ये नहीं कह रही हूँ उन्होंने नेगेटिव कमेंट किया, उनके बोलने का जो स्टाइल था ना, तुम तो हो गई पतली ऐसे, जो टोन तुम्हारी हुई थी वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार। भाई आधा कप मैंने, एक तो पहले कप देखो कितना सा था, उसमें से आधी मैंने सिम्बा को दे दी, फिर मैंने इतनी सी आइसक्रीम, अभी मैंने बोला भी है कि मैं अपने आप को ट्रीट दे रही हूँ, तो आई डोंट नो क्या सोच के लोग कमेंट कर देते हैं, भाई आप थोड़ा सा लिखने से पहले सोचा करो, एनीवेज इग्नोर करो, मैं उनको बुरा नहीं बोल रही है, मेरा कोई हार्ट, इससे पहले भी मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट आया था, मैंने तो उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया वीडियो में, आई डोंट नो वो लेडी कौन थी जिन्होंने, जिनको मैंने रिप्लाई किया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वीडियो में रिप्लाई दूंगी ना तो उनको उनको एक एंकरेजमेंट मिल जाएगी कि हमारा नाम ले लिया गया, हमारे कमेंट पे पॉइंट आउट किया गया, तो हम और ज़्यादा करें उस चीज़ को, इसलिए मैं करती नहीं हूँ। तो ये मेरा वीडियो में लास्ट आंसर है कमेंट के ऊपर, इसके बाद नहीं मिलने वाले आपको नेगेटिव कमेंट्स पे रिप्लाईज, वो तो और ही ज़बरदस्त था। एक मिनट में गैस ज़रा बंद कर दूँ। हाँ जी, तो पसीना बहुत आ गया है, सॉरी अगर मैं आपको अच्छी नहीं दिख रही तो हाँ, तो मुझे एक्चुअली प्रॉपर कमेंट भी याद नहीं, कुछ तो उन्होंने कमेंट किया था जिसका मैंने रिप्लाई दिया, मेरे रिप्लाई में कोई रूडनेस नहीं थी, आई थिंक कमेंट होगा भी कमेंट बॉक्स में, किसी तो वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट किया था, बट उनका जो रिप्लाई था ना मुझे वो ऐसे था, कितनी बदतमीज हो तुम, तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, ऐसा वैसा करके कुछ तो लिखा था उन्होंने, तो अनफॉलो कर रही हूँ मैं तुम्हें। मेरे को एकदम ऐसे लगा यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने सबको घर में कमेंट दिखाया यार, इसका रिप्लाई मैंने ये दिया, तो इसमें क्या मैंने रूड लिखा, मतलब मैंने ऐसा क्या गलत लिखा, जब तुम्हारी तमीज़ तो मुझे दिख गई। एनीवेज मैंने उसके ऊपर आगे रिप्लाई नहीं किया क्योंकि वो तमीज़ मुझे नज़र आ रही थी, या शायद मैंने किया भी, देखो मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे तो ऐसे कमेंट भी याद नहीं रहते बट ऐसा झटका लगा था ना क्योंकि मुझे नेगेटिव कमेंट्स इतने आते नहीं है, तो जब आपको नया नया कोई कमेंट आ जाए ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। एनीवेज पहले बहुत आने लग गए थे, फिर कई बीच में आए भी हैं कि भाई तुम पहले भी शुरू की थी वेट लॉस और ये वो, अब वो कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कर्म कर और भाड़ में जाए दुनिया
जो समझते हैं, जो रियल में प्यार करते हैं वो समझते हैं, और जो टाइम पास करने आते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। तो मैं तो पता है नेगेटिव कमेंट्स पे भी रिप्लाई दे देती हूँ, मतलब लाइक दे देती हूँ, तू खुश रह भाई, ओके, मैं मोटी हूँ, मैं भैंस हूँ, मेरे घर के मोटे हैं, सब मोटे हैं, खानदान मोटा है, ठीक है, इट्स आई अग्री, मैं अग्री कर रही हूँ कि मैं हूँ। मैंने कभी इस चीज़ के लिए ऐसा नहीं बोला कि भाई मैं तो भाई ऐश्वर्या राय हूँ, मैंने नहीं बोला, सॉरी मैं सेलिब्रिटीज़ का नाम ले रही हूँ, बट मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। जो सो जो है सो है भाई, हम हैं मोटे तो क्या करोगे बताओ, अगर आप तो कर क्या रहे, हम भी तो घटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरा आज भी यही कहना है, वेट नेचुरली मैं कम करना चाहती हूँ, मेरे को कोई गोल्ड मेडल नहीं लेना, मेरे को कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं जाना कि मैंने महीने का 1 किलो कम किया, यार ऐसे खाती खाती कैसे कम होगा, तो वैसे कम होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। मेरे को मेरे बॉडी को फिट करना है कि भी मैं चलती फिरती रहूं और मेरी जो हेल्थ इश्यूज है वो ठीक हो जाए, मेरे को वो चाहिए। अब वेट तो साथ साथ अपना जो है वो तो घटेगा ही, जब आप कुछ कर रहे हो तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही ना, तो वेट तो एक साइड है कि हाँ वेट भी घटाना है, बट मेन मेरा मकसद है हेल्थ को करेक्ट करना है, अपनी जो बॉडी की जो प्रॉब्लम्स है उसको करेक्ट करना है, मेडिसिंस को हटाना है अपने लाइफ में से, जो जितनी दवाइयाँ मैं खा रही थी उसे बंद करना है मुझे। तो बहुत ज़्यादा लंबा मेरा ये हो गया है आपके साथ बात, बट ये ज़रूरी भी है बात करनी, एक्चुअली मैं इसको काटूंगी नहीं और मैंने बीच में कोई कट नहीं करना, जो है सो है। एंड दूसरी बात ये कि मुझे एक कमेंट आया था थायराइड में भी वेट लॉस हो रहा हो गया होता है क्या, तो मेरा तो हो रहा है भाई, अब बाकी मुझे पता नहीं, मैंने अभी थायराइड चेक नहीं किया, सच बताऊँ बहुत पहले जब शुरू में किया था कि हो गया, उसके बाद से मैं मेडिसिन ही ले रही हूँ। अब मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, मुझे अपने सारे टेस्ट करवाने हैं, तो उसमें देखते हैं कि मेरा थायराइड अभी कितना है, क्योंकि मेडिसिन देखो मैं सुबह खा लेती हूँ उठते ही, और अभी तक मैंने टेस्ट नहीं करवाए, और अभी एक्सरसाइज हो रही है तो मेरा वेट भी घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है पर घट रहा है। आप कोई भी मेहनत करोगे तो यार रिजल्ट तो आएगा, ऐसा तो है नहीं कि आप पत्थर पे भी अगर आप कुछ लेके रगड़ते रहोगे तो वहां से वो भी घिस जाता है, तो हम तो फिर इंसान हैं तो इसीलिए। एंड एनीवेज ये लास्ट रिप्लाई था मेरा नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर, आज के बाद नहीं आने वाला, जितने मर्जी करते रहे, वो कहते ना हम भी मोटी चमड़ी है हमें असर नहीं होता मैं तो परवाह भी नहीं करती ऐसी चीज़ों की, बोल ली जाओ, अब तुम्हारा मुंह है तुम बोल लो, हमारा जो है हम कर रहे हैं तो प्यार करने वाले तो मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं मतलब टच वुड थैंक यू भगवान को करती हूँ कि मेरे साथ तो जितने भी लोग जुड़े हैं ना सब बहुत ही अच्छे हैं, जो कितने प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, मैं मतलब आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो आंसर करने वाले होते हैं उसको मैं करती भी हूँ, पर कई बार कई कमेंट्स पे हंसी भी आती है, बट कई बार कई कमेंट्स ऐसे लगते हैं कि क्यों किया ही क्यों, देखा ही क्यों, जब तुम्हें इतनी दिक्कत थी तो ये होता है। वो तीन तरह के रिप्लाईज अंदर से निकलते हैं, बट लाइक मैं सबको कर देती हूँ कि अगले ने भी तो मेहनत की है, इतना भड़ास निकाली अपनी, उसको भी तो लाइक मिलना चाहिए कि हाँ मैंने देखा है तेरा कमेंट, तो वो होता है। कई बार देखो कई कमेंट्स पे मैं देर से लाइक करती हूँ, रिप्लाई नहीं करती हूँ, बट लाइक करती हूँ आपके कमेंट, तो मतलब मेरा लाइक आया मतलब मैंने कमेंट पढ़ लिया है, देख लिया है, लाइक नहीं आया तो मेरा अभी मैंने देखा नहीं है उस कमेंट को, इसलिए उसका रिप्लाई भी नहीं। कोई बहुत ज़रूरी लगते हैं ओल्ड वीडियोस पे कमेंट आते हैं तो मैं उनको रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि अब इतनी पुरानी वीडियो में वो कमेंट कर रहे हैं तो मैं उसके नीचे रिप्लाई डाल देती हूँ, कोई चीज़ पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे। एनीवेज चलिए ठीक है, अब ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और फ्रेश होते हैं और रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में कल, और तब तक के लिए बने रहिए हमेशा साथ, ऐसे ही प्यार देते रहिए बहुत सारा, तो और जो मेरे साथ वेट लॉस कर रहे हैं हो जाओ शुरू फिर से, मैं आप तो कर ही रहे हो, मेरी ब्रेक लगी थी, बट मेरी ब्रेक क्या, मेरा जिम की ब्रेक लग गई थी, अदरवाइज तो अपना चल ही रहा है काम, तो अब छुट्टियाँ नहीं करनी, अब जिम की छुट्टी नहीं करनी, अब बस पीरियड्स जो मेरा एक रहा करेगा ना टाइम, वो पीरियड मैं मतलब वो टाइम उस पीरियड में मैं नहीं जाऊँगी, अदरवाइज मैं 25 डेज अपना जिम पूरा कंटिन्यू करूँगी। एंड ये मेरा एक गोल है कि मैं बिना छुट्टी किए
ये मंथ पूरा कंप्लीट करना है। बस जो मेरी अभी छुट्टियां हुई हैं पीरियड्स की वजह से, बस वही, ये मंथ पूरा मैंने अब छुट्टी नहीं करनी है। ये मैंने अपना गोल बना के रखा है इस मंथ का। वेट से ज़्यादा मेरा गोल ये है कि मैं जिम की ब्रेक नहीं करना चाहती। तो चलिए ठीक है, होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने इतना कुछ बोला है कुछ उसमें से अच्छा आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर हम बुरे लगे तो भी बता दो, अगर हम अच्छे लगे तो भी बता दो, जो है रियल है, जो है आपके सामने है। मैं बोली ना, रियल लाइफ है, रियल मैं हूँ, कुछ भी दिखावा नहीं है, जैसे जीते हैं वो दिखाते हैं। तो चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट्स मुझे आते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लाइक भी करो, कमेंट भी करो, जो क्वेश्चन करने हैं करो, जो बोलना है बोलो, बस कमेंट करो, मतलब फील हो कि हाँ यार इतने लोग देख रहे थे, इतने लोग कुछ तो लिख रहे हैं ना, हाय हार्ट दिल कुछ प्यार व्यार कुछ भी भेज दिया करो, भेज दिया करो कमेंट, बस एक ऐसे हार्ट भेज दो, कुछ लिखने का मन नहीं है तो भाई हमें भी लगे ना कि यार इतने लोगों को मेरी कुछ तो कनेक्ट हुआ है मेरे से, कोई कनेक्ट हुआ है मेरे से। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।